निकालेंगे जब एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती हुई नीचे आ रही है। मैं इसको पिछले चैप्टर्स के साथ अगर रिलेट करूं तो आपको याद होगा हमने ऐसे कई क्वेश्चंस किए, जैसे सपोज ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, एट एन एंगल ऑफ थीटा इंक्लाइंड है। सपोज एक ब्लॉक है, नो फ्रिक्शन, इसका मास एम है, तो ये नीचे किस फोर्स की वजह से नीचे आएगा? एम जी साइन थीटा। तो अगर नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा है तो नीचे की जो आने की एक्सलरेशन है उसको हम निकाल सकते हैं, एम से एम क्या हो गया कैंसल, तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? जी साइन थीटा। हमने ये किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में। इसमें बॉडी क्या करती हुई नीचे आ रही है? स्लाइड, घिसटती हुई नीचे आ रही है। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर मैंने आपको एक और प्रॉब्लम भी, ऐसी कई प्रॉब्लम्स करवाई कि अगर मान लो एक मिनट के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो हम ऐसे किया करते थे, एम जी साइन थीटा इसको नीचे लेके आ रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, तो एक्सलेशन निकालने का तरीका नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो यहाँ से एक्सलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो स्लाइडिंग में एक्सलेशन आ गई, इस केस में फ्रिक्शन के साथ एक्सलेशन आ गई। आज हम क्या करना चाहते हैं कि अगर सपोज करो आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल थीटा है, कोई भी एक बॉडी है, ये रही बॉडी, और इसको मैंने यहां से छोड़ दिया यू इज इक्वल टू जीरो, और ये रोल करती हुई नीचे आ रही है, घूमती 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 नीचे आ रही है। आपको बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किस मोशन में होगा? ट्रांसलेशन मोशन में होगा। जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेट करता हुआ नीचे आ रहा है, बाकी पार्टिकल नीचे इसके अबाउट घूमेंगे। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता था, एन एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नहीं होता था, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस टॉपिक में हमें क्या निकालना है ये समझ में आ रहा है? ये तो किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में। मैं आपको साथ साथ पिछले चैप्टर्स के साथ भी रिलेशन देना चाहता हूं, ताकि जब क्वेश्चन आएगा वो ये बता के थोड़ा ना आएगा कि मैं लॉज ऑफ मोशन से आ रहा हूं या मैं फ्रिक्शन में से आ रहा हूं या मैं रोटे, वो तो क्वेश्चन दे देगा बस। आपको अपने माइंड में क्लासिफिकेशन करनी है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। कितने लोग, या इस तरीके से क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि इसके अंदर जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे इसमें हम बोलते थे मास एम है, बस बात करते हैं मास एम है और वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली हमने उस टाइम सेंटर ऑफ मास नहीं किया था, वही तो पता ही है कि किसकी बात होती, सेंटर ऑफ मास की ही बात होती थी, क्योंकि रोटेशन होती नहीं थी तो सारा मास एक ही पॉइंट पर हम फोकस कर लेते थे और उसको स्लाइड करवा देते थे, बात खत्म हो गई। तो हम ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास पे ही काम करते आए हैं। मुझे कोई ये बताए कितने लोग ये मानते हैं कि इसमें और इस केस, इन केसेस में कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा? ओके, और रीडिफाइन करता हूं, कितने लोग मानते हैं, इसको तो 2 मिनट छोड़ ही दो, कितने लोग मानते हैं कि अगर मैं इसे यहां पर छोड़ देता हूं ऐसे ही, मैंने घुमा के नहीं छोड़ा, मैंने तो वैसे छोड़ दिया ऐसे ही, कितने लोग मानते हैं कि इसका आंसर भी सेम आएगा? जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो जी साइन थीटा ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। एक, दो, तीन, कैसे? अच्छा, आप भी मानते हो ये सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, डिफरेंट आएगी, क्योंकि फिर तभी तो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये बॉडी घूमती हुई नीचे आएगी कि स्लाइड करती हुई नीचे आएगी? रोल करती हुई नीचे आएगी, रोल करती हुई नीचे आएगी। कितने लोग मानते हैं, कितने मानते हैं नहीं ऐसी नहीं नीचे आ जाएगी स्लाइड करती हुई? कोई नहीं मानता स्लाइड करती हुई नीचे आएगी, रोल करेगी नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है, बिना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन
मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने वो डायग्राम नहीं दिखाया आपको, मैंने ये पूछा था। देखो मैंने, आप पूछ लेते फ्रिक्शन है कि नहीं, तो मैंने बिल्कुल फ्रिक्शन शो नहीं की, मैंने कहा ये ऐसे है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं बनाए, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो अब कितने लोग एग्री करते हैं कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है? ठीक है, यानी कि आप ये चीज मानते हो कि जो फ्रिक्शन है वो रोल करने में हमें हेल्प करती है और बिना फ्रिक्शन के बॉडी रोल नहीं कर सकती, ऐसा ही है? ओके, देखो जब हम कहते हैं बॉडी रोल कर रही है, इसका मतलब बॉडी घूमती हुई आगे आ रही है, तो ये तो बात बनती है। घूमने के लिए क्या चाहिए होता है बॉडी को? टॉर्क। अब टॉर्क लगाने के लिए क्या चाहिए होगी? फोर्स। जब तक फोर्स नहीं होगी तब तक टॉर्क कैसे जनरेट होगा? तो मुझे एक चीज का आंसर दो कि अगर ये आपके पास कोई भी बॉडी है और मैं इसे घुमाना चाहता हूँ, एक्सिस के ऊपर मान लो टायर है या कोई डिस्क है, एक्सिस के ऊपर है, हवा में लटका हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये घूमे इस तरफ, तो मैं फोर्स टेंजेंशियली ऐसे लगाऊंगा नीचे से खड़ा होके, तो ये बॉडी अपने एक्सिस पर ऐसे घूमेगी, है ना? फोर्स चाहिए मुझे। किसी ने कहा सर फोर्स लगाओ, ठीक है मैं गया इसके एक्सिस पे, फोर्स लगा दी मैंने, ऐसे ऐसे खींचना शुरू कर दिया, नहीं ये बॉडी अब घूमेगी नहीं, क्योंकि जब भी आप फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो बॉडी में रोटेशनल मोशन जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप फोर्स कहां पर लगा रहे हो? उसके एक्सिस पे लगा रहे हो। तो बॉडी ट्रांसलेट तो कर सकती है पर बॉडी रोटेट नहीं कर सकती, तो कम से कम एक्सिस के ऊपर फोर्स तो मत लगाओ। जितनी दूर एक्सिस के ऊपर फोर्स लगाओगे टॉर्क उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। कोई डाउट है इसमें? ये रूल क्लियर है? अब जब मैंने इसको रिलीज किया, जब मैंने रिलीज किया तो इस बॉडी ने स्लाइड करने की कोशिश की। देखो ये रोल क्यों करेगी? रोल नहीं करेगी। किसने कहा क्यों? इसमें फोर्सेस ऐड कर रही हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? उसने कहा देखो एक फोर्स ऐड कर रही है एमजी साइन थीटा, ठीक, एमजी भी ऐड कर रहा है, या एमजी के दो कंपोनेंट्स हैं रादर, एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा, और एक ऐड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। पर मैं कह रहा हूँ यार सारी की सारी किस पे ऐड कर रही हैं? एक्सिस पे। तो ये सारी की सारी कम से कम टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती। एमजी साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा एक्सिस पे काम कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास पे काम कर रही है, तो ये इसको स्लाइड करवा सकती है लेकिन इसको रोल नहीं करवा सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो फिर मैंने ये सजेस्ट किया कि जब आपने इसको रिलीज किया तो पहले ये स्लाइड, क्योंकि एमजी साइन थीटा इससे स्लाइड करवाएगी, ये घिसटने की कोशिश करेगा पर फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड मिलेगा जिससे कि ये रोल कर सकते हैं। क्यों? आप इमेजिन करो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और मैं इसे घुमाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाना चाहता हूं तो या तो मैं ऐसा करूं खुद जाके यहां पर ऐसे फोर्स लगानी शुरू कर दूं, तो अगर मैं फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाऊंगा तो एक क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी, या फिर एक काम करते हैं इसको आगे की तरफ फेंक देते हैं किसी फोर्स से, और ग्राउंड पे क्या ले आते हैं? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी वैसे ही काम करेगी जैसे मैं काम कर रहा था, जैसे मैं फोर्स यहां लगा रहा था, ये देखो अब फ्रिक्शन, मेरे को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा कहाँ कर रही है? इस तरफ एक्ट कर रही है, और ये बॉडी क्या करती जा रही है? आगे रोल करना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सिस है और ये रेडियस आर है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इंटू आर। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा इस बॉडी में, टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो ठीक है बॉडी नहीं घूमेगी। तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि अगर हम चलते हैं फ्रिक्शन हेल्प करती है चलने में, और अगर कोई बॉडी रोल करती है तो फ्रिक्शन हेल्प करती है रोल करने में। क्लियर है यहां तक? तभी तो जो सड़कें हैं वो एकदम हाई फ्रिक्शन की होनी चाहिए, बढ़िया तरीके की, ताकि रोलिंग प्रॉपर हो जाए। जितनी कम रोल फ्रिक्शन होगी, घिसी हुई सड़क है उसमें रेत पड़ा हुआ है तो स्किडिंग हो जाएगी, वो स्लाइड करना ट्रांसलेशन मोशन में ज्यादा आएगा और रोलिंग कम होगी। रोलिंग के लिए सफिशियंट फ्रिक्शन होनी जरूरी है। तो इसका मतलब अगर मैं ये चाहता हूं कि रोल करती हुई बॉडी नीचे आए तो कौन सी ये फ्रिक्शन कहाँ ऐड करनी चाहिए? पीछे की तरफ, तभी ये रोल कर पाएगी, नहीं तो ये रोल नहीं कर पाएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन कौन सी है, काइनेटिक की स्टैटिक? हालांकि ये क्वेश्चन जल्दी पूछ रहा हूं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, हम डिसाइड करेंगे कि स्टैटिक और काइनेटिक है, मतलब वही लॉज ऑफ मोशन वही फ्रिक्शन फिर से आने वाले हैं जो हम छोड़ के आए थे, फिर स्टैटिक काइनेटिक का रोल है, वैसी जस्ट एक
क्रॉसटी से कह लो, देखना चाहता हूं कि कौन आंसर दे पाएगा, ये कौन सी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन दो टाइप की है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। बोलो स्टैटिक की काइनेटिक, कितने बोलते हैं काइनेटिक, कितने बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक कैसे है? स्टैटिक। अच्छा पहले काइनेटिक का रूल डिसाइड कर लेते हैं, एक मिनट। काइनेटिक फ्रिक्शन कब अपना रोल प्ले करती है? जब दो सर्फेसेस अब एक दूसरे के ऊपर घिसटती हैं, स्लाइड करती हैं, रगड़ खाती हुई जाती हैं, फिर काइनेटिक है। ये टायर कम से कम रगड़ तो नहीं खाता हुआ जा रहा। अब देखो ना, रगड़ खाने का मतलब क्या है? अगर आपने ब्रेक लगाई, पूरा निशान पड़ता हुआ जाएगा सड़क के ऊपर कि हाँ स्केटिंग हुई है, वहां काइनेटिक है, वो काइनेटिक है। लेकिन यहाँ तो टायर आराम से निकल गया, कोई वहां कुछ निशान कुछ पता भी नहीं लगा, कम से कम काइनेटिक क्यों नहीं है? पता लग रहा है काइनेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें स्लाइडिंग चाहिए, प्रॉपर स्लाइडिंग चाहिए, घिसटना चाहिए एक बॉडी को। क्लियर है? फिर कंफ्यूजन ये हो जाती है, चलो एग्री कर गए काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं स्टैटिक नहीं है, क्यों नहीं स्टैटिक? क्योंकि बॉडी तो मोशन में है, वो कह रहे हैं, और अगर बॉडी मूव कर रही है मोशन में, फिर स्टैटिक कैसे हो सकती है? जबकि आपने फ्रिक्शन में बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। ये स्टैटिक ही है इसमें रीजन। ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है, ये इस वजह से जनरेट नहीं हो रही कि बॉडी जो आगे स्लाइड कर रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, चाहे आप टायर यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, जहां मर्जी ले लो, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में हमेशा रहेगा ही रहेगा ग्राउंड के। ये टॉर्क जनरेट कर रही है, ये स्लाइडिंग का इसका जो रीजन है, ये कम से कम स्लाइडिंग तो नहीं है। तो आप अगर पी पॉइंट को देखो, तो कोई ना कोई पॉइंट हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा ही रहेगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा कॉन्टैक्ट में है, वो चाहे पहले भी है, चाहे अब भी है, चाहे टायर आगे मूव कर जाए, वो तब भी रहेगा। तो ये जो फ्रिक्शन का नेचर है, वो काइनेटिक नहीं है, क्योंकि काइनेटिक में तो पी पॉइंट को रगड़ खाते हुए जाना है, जो कि हो नहीं रहा। तो पी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट की तरफ, ये हमेशा रेस्ट है। आप इसको स्टैटिक मान सकते हैं, या मैं इस स्टैटिक को एक और तरीके से भी प्रूव कर सकता हूं। जब कोई बॉडी रोल करती है ना, आप इमेजिन करना एक मिनट के लिए, जब कोई बॉडी रोल कर रही है, ये पॉइंट देख रहे हो, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर, वो इमेजिन करो इस पी पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहे हैं। देखो फॉर एन इंस्टेंट, देखो ये सब के सब पी पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहे हैं। इमेजिन कर पा रहे हो इसे? घूम रहे हैं, नहीं? देखो ना, ये पॉइंट कैसे मूव करेगा जब बॉडी रोल करेगी, ऐसे ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, कुछ इस तरीके से, नहीं? ओके, ये एक रिमोट आया, ये स्लाइडिंग कर रहा था, किसी ने रास्ते में नेल लगा दी, की लगा दी। हमारे साथ भी तो होता है, देख रहे हो? ये हर बॉडी ऐसी, जब अब देखो ना, रोटेशन स्टार्ट हो गई, हिट किया इस एक्सिस के अबाउट, रोटेट हो रहे हैं। तो ये पी पॉइंट है। पूरा स्लाइड स्फेयर रोल तो करना ही नहीं चाहता था, स्फेयर तो स्फेयर को तो मैंने सीधा फेंक दिया था, स्लाइड करता हुआ सीधा जा रहा था मान लो, पर रास्ते में सड़क स्टार्ट हो गई, मान लो पहले ऑयल गिरा हुआ था, ऑयल पे तो फ्रिक्शन नहीं है ना, बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन है, तो आपने स्फेयर को सीधा फेंक दिया, स्फेयर ट्रांसलेशन मोशन में था, एकदम सड़क स्टार्ट हो गई आराम से रोल। क्यों? क्योंकि जैसी वो फ्रिक्शन स्टार्ट हुई, हो गया, अच्छा वाला स्फेयर जा रहा था, टक्कर हुई और पलट गया, फिर अगले इंस्टेंट पे फिर टक्कर होती। देखो ना, फ्रिक्शन तो हर जगह ही है। तो ये पी पॉइंट के अबाउट रोटेशन चलती जाती है। तो पी पॉइंट हमेशा रेस्ट पे मान के ये माना जाता है कि बाकी पॉइंट्स इसके अबाउट पलटते जा रहे हैं, इसको टॉपलिंग भी बोलते हैं। वैसे हम करेंगे इसको, आगे डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट ये है कि इस फ्रिक्शन की नेचर, जब रोलिंग होती है वो काइनेटिक नहीं होती, वो हमेशा स्टैटिक होती है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? वैसे नॉलेज से एक बताया, अभी इसका टाइम नहीं आया, हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मैंने कहा पूरा लेक्चर ही फ्रिक्शन के ऊपर होगा, उसके अंदर प्रॉपर डिस्कस करेंगे कब काइनेटिक लेनी है और कब स्टैटिक लेनी है। फिलहाल रोलिंग के अंदर स्टैटिक होती है, बात खत्म।
काइनेटिक कब होती है ये पूछना चाहते हो, एग्जांपल दूं काइनेटिक का भी? ओके, काइनेटिक कब होती है ये देखो, इमेजिन करो कि आप बाइक चला रहे थे और आपने कुछ ब्रेक लगा दी, टायर को स्लो मोशन में देखना, ब्रेक लगते ही उसकी स्लाइडिंग ज्यादा हो जाती है, शुरू कर गया टायर, और ये नहीं कि टायर एकदम रुक गया, उसकी रोटेशन थोड़ी सी कम होती है लेकिन स्लाइडिंग तेज हो रही है, जहां स्लाइडिंग हो रही है वहां काइनेटिक है, वहां काइनेटिक है। पर हम ऐसे केस को डिस्कस तो कर नहीं रहे, हम तो सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर रोलिंग हो रही है और जितने भी रोलिंग के केस हैं वो स्टैटिक से सॉल्व हो जाने हैं। काइनेटिक के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि उसके अंदर ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं और स्लाइडिंग के बीच में, स्लाइडिंग और रोलिंग का कॉम्बिनेशन थोड़ा नेक्स्ट लेवल है इसका। फिलहाल काइनेटिक का कोई रोल नहीं, फिलहाल स्टैटिक का ही रोल है। देखो तो ये तो जैसे मैं वैसे ही बता रहा था क्योंकि मेरे को यहाँ यूज करनी है ये। कोई पूछ ही लेता है, सर आप यहाँ पर एफ की जगह म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं पुट कर रहे? क्योंकि ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन को सॉल्व करने का तरीका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ करता था, याद करो। कोई तरीका नहीं फ्री बॉडी डायग्राम से, वेरिंग फ्रिक्शन है ना, मुझे पता क्या वैल्यू होगी, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करें टॉपिक। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी है। मैंने इस बॉडी को यहां से रिलीज किया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे है जो इसमें टॉर्क जनरेट करेगी और बॉडी रोल करना स्टार्ट कर देगी। तो बॉडी रोल कर रही है तो बॉडी घूमती घूमती नीचे भी आएगी और सेंटर ऑफ मास नीचे भी आएगा। तो इस केस में जब मैं वर्ड रोलिंग बोलता हूं तो मैंने आपको हमेशा बताया रोलिंग का मतलब दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, पहला कौन सा ट्रांसलेशन, दूसरा कौन सा प्योर रोटेशन, ट्रांसलेशन रोटेशन। तो मैं इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा, पहले ट्रांसलेशन देखूंगा फिर रोटेशन देखूंगा, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूंगा, रोलिंग सॉल्व हो जाएगी। तो रोलिंग सॉल्व करने के कोई नए तरीके नहीं है, ट्रांसलेशन अलग रोटेशन अलग फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन मोशन है। ये बताओ कि इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरे क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में ट्रांसलेट कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो ट्रांसलेशन की जब भी इक्वेशन बनेगी उसमें टॉर्क यूज नहीं होगा, उसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ट्रांसलेशन के अंदर फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, रोटेशन में टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन बोला। तो ट्रांसलेशन सिंपल लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है। इमेजिन करो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है तो नीचे आने की फोर्स कौन इसको नीचे लेके आ रहा है? एम जी साइन थीटा। और कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन। तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, एम जी साइन थीटा आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन कौन सी? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? तो लिख भी दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है, एंड ये किसमें है? इन ट्रांसलेशन मोशन, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज इन ट्रांसलेशन मोशन। इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। अब मैं फ्रिक्शन की वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं पुट कर सकता क्योंकि इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन है तो किसी और तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब सेकेंड इक्वेशन किसमें बनाएंगे? रोटेशन मोशन, क्योंकि रोलिंग का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो रोटेशन मोशन में टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। जब ये इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी घूमती हुई नीचे आ रही है तो टॉर्क किसने जनरेट किया था? एफ ने। किसी ने पूछा सर एम जी साइन थीटा ने क्यों नहीं जनरेट किया? क्योंकि एम जी साइन थीटा कहां पर एक्ट कर रही है? एक्सिस पे।
ना नॉर्मल रिएक्शन करेगा क्योंकि वो भी एक्सिस पे है, ना ही एम जी साइन थीटा करेगा, ना एम जी करेगा, कौन करेगा, सिर्फ एफ करेगा। कितनी टॉर्क जनरेट करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। तो टॉर्क जनरेशन कितना होगा, आर इंटू एफ, और टॉर्क होता क्या है, आई टाइम्स एल्फा। तो हमने किया था लास्ट टाइम टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, तो एक टॉर्क हमने निकाल लिया आर इंटू एफ, एक आई इंटू एल्फा, यहां से एफ की वैल्यू आ गई। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने यूज किया फ्रिक्शन का, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पुट किया, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन नहीं कर सकते, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हमने एफ की वैल्यू निकाल दी। इस एफ को उठा के यहां पे पुट करेंगे ऊपर, तो मैं कंबाइन करने जा रहा हूं ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन को, तो क्वेश्चन किसका बन गया, रोलिंग का तैयार हो गया। तो रोलिंग का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ब्रेक करके, आधा क्वेश्चन ट्रांसलेशन आधा रोटेशन। तो इस एफ को जब ऊपर पुट किया तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गई, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अल्फा नहीं निकालना, मेरे को ए सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमने ये भी डिस्कस किया आज और लास्ट लेक्चर में कि जब कोई इंक्लाइन प्लेन पे या कहीं पर भी ये जो बॉडी है, अगर मैं ये कहूँ कि ये रेस्ट पे थी पहले, ऑब्वियसली रोल करती हुई नीचे आ रही है, नीचे आने में इसकी स्पीड को इंक्रीज करती हुई नीचे आएगी, क्योंकि जितनी हाइट से आएगी स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, और वैसे भी टॉपिक का नाम क्या है, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा, हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, इसे आज की क्लास में डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में। तो सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन और अल्फा में ये रिलेशन है, अल्फा क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास बाय आर। इस अल्फा को उठा के यहां पे पुट कर लो तो ये टर्म आ गई, सेंटर ऑफ मास वाली टर्म एक तरफ रख लो, ए सेंटर ऑफ मास कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। तो यहां से ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस आई बाय आर का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो सेंटर ऑफ मास की ये एक्सेलरेशन आ गई। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्लियर है, इस टॉपिक पे लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी, आपके स्कूल के अंदर प्रूफ करने को आएगा, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन निकालना, दिसंबर एग्जाम में आएगा अब तो, या जो भी आपके टेस्ट होंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करो, सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी के लिए लिखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक चीज बताओ, बॉडी कुछ भी हो सकती है जिसको मैंने रिलीज किया, वो सॉलिड स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, इन जनरल किसी भी बॉडी के लिए आई को क्या लिखा जा सकता है, एम के स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस आई की जगह पुट करते हैं एम के स्क्वायर। अब मैं ये भी आंसर दूंगा हमने गायरेशन क्यों किया था, एम 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 कैंसल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, सेंटर ऑफ मास की जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद भी कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी आज के बाद किसी भी ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में इंक्लाइन प्लेन गिवन है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, अगर कोई भी बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा, ब्लॉक एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आता है तो जी साइन थीटा, और अगर कोई भी बॉडी आज के बाद रोल करती हुई नीचे आ रही है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की इसके इक्वल होगी, फॉर्मूला याद रहेगा। अब कभी कभी स्कूल में ऐसा आ जाता है कि वो इन जनरल सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नहीं पूछते, वो स्पेसिफिक फिगर देंगे, वो कहेंगे कि मेरे को इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रोल कर रही है और स्फीयर या रिंग या डिस्क की एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। यहां तक तो आपने सेम ही करना है जो भी करना है, फिर आपको अगर स्कूल में गिवन है रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है,
वन एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो क्या बनती है? वन। तो आप सिंपली इस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे? वन। आंसर आ गया एक मिनट में। अगर मान लो आपको क्या गिवन है? डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है? हाफ। तो इसकी जगह क्या पुट करोगे? हाफ। तो हाफ आ गया। वैसे अगर आपको क्या गिवन है? सॉलिड स्फीयर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, तो 2/5। ये फायदा है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का। इन जनरल हम रिजल्ट्स निकाला करेंगे किसी भी बॉडी के लिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पुट करेंगे, उसके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक हो जाएगा प्रूफ के। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल है, एक स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, एक डिस्क है और एक रिंग है, आर रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंड एट सेम टाइम, मास एंड रेडियस सेम है, बॉडी कौन सी पहले नीचे पहुंचेगी ये बताओ। विच बॉडी रीचेज फर्स्ट, नीचे कौन पहुंचेगा? तो स्फीयर डिस्क एंड रिंग को अगर रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो इस केस में अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की क्या होगी? जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? और डिस्टेंस कितना है इसका? एस। तो सेंटर ऑफ मास किस मोशन में आएगा पहले ये बताओ? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन में एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास ने कितनी कवर की? एस। और एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टाइम आ गया। अब आपको तो ये बताना है ना इन गिवन बॉडीज में से कौन सबसे पहले नीचे आएगा। तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू है। मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जिस भी बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। जिसकी एक्सेलरेशन कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा। ऐसे ही हुआ ठीक। तो अब हमने किसकी रेशियो देखनी है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो देखनी है। कोई डाउट इसमें? तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो देखनी है। तो इस केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मैंने रिपीट कर रहा हूं, जिसका ज्यादा होगा उसका ए कम होगा, उसका जिसका ए कम होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। तो आपके पास कितनी बॉडीज हैं? तीन बॉडीज हैं, स्फीयर डिस्क और रिंग। तो स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? 2/5 यानी कि 0.4। डिस्क का क्या होता है? 0.5। और रिंग का क्या होता है? 1। तो अब एक चीज, सबसे कम किसका है? 0.4। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है उसका टाइम कम है। तो सबसे कम टाइम कौन लेगा? स्फीयर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, रादर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। फटाफट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो बता देगी कौन पहले नीचे आएगा, कौन बाद में नीचे आएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपकी हेल्प करेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इस शीट के बाद शीट नंबर 81 नेक्स्ट शीट है 81।